हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी टीच। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम सिग्नल फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं वो देख लीजिए, है ना। सिग्नल फंक्शन को SGN है ना, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। और सिग्नल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइन कैसे होता है, चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तब, ठीक है, मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स, और एक्स इक्वल टू जीरो है तब जीरो है ना। तो यहाँ पे क्या मॉड ऑफ एक्स यूज हो रहा है, मतलब ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का यूज है। तो मॉडुलस फंक्शन कैसे खुलता है, हमने ऑलरेडी बात कर रखा है पहले ऑलरेडी लेक्चर में, ठीक है। ध्यान देते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, अगर x नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब क्या पॉसिबिलिटी, या तो x लेस देन जीरो हो सकता है या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। तो x लेस देन जीरो में कैसे खुलता है मॉड ऑफ x, x लेस देन जीरो माइनस ऑफ x से खुलता है, ऐसा मैंने ओपन कर लिया है। x इक्वल टू जीरो में तो जीरो ही है, और ये कैसे खुल सकता है x नॉट इक्वल टू जीरो, या तो x ग्रेटर देन जीरो में भी खुल सकता है, तो वो भी मैंने ओपन कर दिया। तो मॉड x जब x ग्रेटर देन जीरो तब कैसे खुलता है, प्लस x में ही खुलता है, ठीक है। तो ये कैसा, ये तो वन आ गया और ये x से यहाँ भी कटा, तो यहाँ माइनस वन आया है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस फंक्शन को, माइनस वन जब x लेस देन जीरो है और x इक्वल टू जीरो पे जीरो और x ग्रेटर देन जीरो में वन। तो फंक्शन ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो है ना, वो कह रहा है अगर डोमेन रेंज का बात करें तो डोमेन क्या है, x की सारी वैल्यू ले रही है, इनपुट ही हमारा डोमेन होता है ना, और जो y की वैल्यू आएगी वो हमारा रेंज है। तो डोमेन क्या है, x लेस देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो। तो x पूरा कवर हो रहा है, तो मैं x बिलोंग टू r कह सकता हूँ, डोमेन हमारा x बिलोंग टू r हो गया। और रेंज क्या है, सिर्फ तीन ही वैल्यू आ रही है y की, माइनस वन जीरो एंड वन है ना फंक्शन की। तो रेंज हमारा बेसिकली y कह देते हैं, माइनस वन जीरो एंड वन, ये तीन ही वैल्यू है। अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज होती है, तीन चार है, जो भी लिमिटेड वैल्यूज होती है, तो इनको इस ब्रैकेट से दिखाया जाता है, ठीक है। ये तो हमने डोमेन रेंज का बात कर लिया, इसको ग्राफ से भी देख लेंगे, ठीक है। फंक्शन डिफाइन ऐसे किया जाता है, चलिए इसको ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो मैं एक बार और लिख लेता हूँ ना, ठीक है। सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है, कैसा था, माइनस वन जब एक्स लेस देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो पे वन। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, यहाँ कहीं वन, ठीक है, वाई की वैल्यू यहाँ कहीं माइनस वन, ठीक है, समझो। एक्स लेस देन जीरो में क्या, माइनस वन। तो एक्स लेस देन जीरो मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस में कैसा, ठीक है, माइनस वन पे ग्राफ बना। और एक्स इक्वल टू जीरो पे तो जीरो, तो यहाँ पे, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो आ रहा है। और एक्स ग्रेटर देन जीरो में कैसा है, वन है। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कैसा, वन। तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है, तो यहां से भी समझ में आ रहा है ना अपने को, ठीक है। रेंज क्या दिख रहा है, माइनस वन जीरो एंड वन है ना, ठीक है। रेंज अपना माइनस वन जीरो वन यहां से भी नजर आ रहा है, और एक्स तो नजर आ ही रहा है, हम लोग सारी वैल्यू ले सकते हैं, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो भी ले रहे हैं। तो एक्स बिलोंग टू आर, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी यहां तक। चलिए आगे ध्यान देते हैं। सपोज सिग्नम एक्स में है ना, अगर एक्स की जगह एफ एक्स रिप्लेस करो तो फंक्शन ऐसे डिफाइन हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां एफ एक्स रिप्लेस किए। तो बेसिकली fx नॉट इक्वल टू जीरो में मॉड ऑफ fx बाई fx एंड fx इक्वल टू जीरो है तो जीरो। तो ये भी कैसे डिफाइन होगा, सिमिलर तरीके से, ठीक है। मतलब जब fx लेस देन जीरो है तो मॉड ऑफ fx कैसे खुलेगा, ठीक है, माइनस ऑफ fx बाई fx, तो बेसिकली माइनस वन, और fx इक्वल टू जीरो है तो जीरो है ही, ठीक है। जब fx ग्रेटर देन जीरो है तब कैसे खुलेगा, प्लस में खुलेगा, प्लस fx बाई fx, तो उस केस में वन आ जाएगा, ठीक है। तो कोई फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का सिग्नम निकालना होगा, सिग्नम फंक्शन, तो ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, सिग्नम ऑफ x माइनस वन, ठीक है। तो सिग्नम ऑफ x माइनस वन में कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब ये क्वांटिटी है ना x के जगह x माइनस वन से रिप्लेस करूंगा, जब x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो है तो कैसे ओपन होगा, मॉड ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई x माइनस वन, और जब x माइनस वन इक्वल टू जीरो है तब कैसे ओपन होगा, जीरो है ना। तो बेसिकली हमने जहां जहां x था वहां x माइनस वन से रिप्लेस किया है फंक्शन में। आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या होता है, x माइनस वन या तो लेस देन जीरो हो सकता है, अगर लेस देन जीरो है तो मॉड कैसा खुलता है, ठीक है, x माइनस वन लेस देन जीरो निगेटिव खुलेगा, तो माइनस ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई x माइनस वन ऐसा खुलेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, तो क्या है, यहाँ से माइनस वन आया, ठीक है। और जब x माइनस वन इक्वल टू जीरो है उस केस में तो जीरो ही है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो है तो x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कैसा खुलेगा, पॉजिटिव में, मॉड ऑफ है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन पॉजिटिव में, मैंने ओपन कर दिया, ये क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो बेसिकली इस फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, माइनस वन जब एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, मतलब एक्स लेस देन वन,
और जब x इक्वल टू वन है ना, x माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब x इक्वल टू वन, उस केस में जीरो, ठीक है। और x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, x ग्रेटर देन वन, उस केस में क्या वन आ रहा है, तो फंक्शन हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखो है ना, माइनस वन जीरो एंड वन, y की वैल्यू अभी भी सेम है और x x भी पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। x लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन मतलब x बिलोंग्स टू r है, तो डोमेन अभी भी सेम है और रेंज अभी भी सेम है, ठीक है। यहाँ तो चीजें क्लियर, तो अंतर क्या है, ठीक है, फंक्शन चेंज कहाँ पे हो रहा है उसका अंतर है। तो जब भी वो देखना हो है ना, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो बेसिकली x माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू वन फंक्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वन से पहले कैसा, नेगेटिव, वन के बाद पॉजिटिव है ना, ठीक है, देखो है ना, वन के बाद वन है और वन, ठीक है, वन से कम है तो माइनस वन और इक्वल टू वन पे जीरो, तो वन पे फंक्शन चेंज हो जाएगी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने डिफाइन कर ही रखा है कैसा होगा है ना, ये ग्राफ सिग्नम ऑफ x माइनस वन जब ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, माइनस वन जब x लेस देन वन, जीरो जब x इक्वल टू जीरो, सॉरी वन पे, x ग्रेटर देन वन पे वन, ठीक है, ऐसा हमने डिफाइन कर रखा है। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये x एक्सिस x इक्वल टू वन यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये वन y पे और ये माइनस वन, ठीक है, चलिए मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। x इक्वल टू वन पे क्या है, जीरो, ठीक है, तो ये जीरो शो कर लिया, और x लेस देन वन में कैसा है, माइनस वन, तो x लेस देन वन में माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसा ओपन रखा है, ओपन क्यों रखा है, क्योंकि x इक्वल टू वन पे जीरो है तो माइनस वन तो नहीं हो सकती, ठीक है। x ग्रेटर देन में क्या बोला है, वन, तो x ग्रेटर देन वन में ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ओपन डॉट लगा रखा है, ओपन डॉट क्यों, क्योंकि x इक्वल टू वन पे जीरो ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, तो इसका इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो बेसिकली क्वाड्रेटिक है ना, आप लोग को नजर आ गया होगा, जिनको क्वाड्रेटिक नहीं पता, ठीक है, बेसिक से देखते हैं। अगर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको ब्रेक करना तो आता ही होगा आप लोगों को, कैसे ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, आगे क्या कर सकते हैं, x x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2, आगे क्या हो रहा है, x प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 3 बचा, ठीक है। इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे बनती है, ठीक है, माइनस थ्री माइनस टू है ना, इसको इसको जीरो करते हैं, इनइक्वालिटी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जिसमें से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनइक्वालिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे अगर आप समझो, ठीक है, यहाँ पे पावर क्या वन वन है, तो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये बताना क्या चाह रहा है, माइनस टू के बाद, ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है, और माइनस थ्री से माइनस टू में कैसे, निगेटिव, ठीक है, और माइनस थ्री से है ना, माइनस थ्री से कम होगी वैल्यू तब पॉजिटिव फिर से, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफ ऐसा कुछ बनना है इसका, ठीक है, ये हम इनइक्वालिटी से बता रहे हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी का हेल्प लेंगे, ठीक है, आप वैसे बेसिक हम लोग क्वाड्रेटिक जब पढ़ेंगे तो और क्लियर चीजें होंगी, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो अपने को पता चल गई पॉजिटिव निगेटिव कब हो रहा है, इसका ग्राफ बनाना अब ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, कोशिश करते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस बना दिया मैंने, ठीक है, माइनस थ्री माइनस टू मैंने शो कर दिया, ठीक है, सिग्नम फंक्शन इसका प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं वन होगा, यहाँ पे कहीं माइनस वन होगा, ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, माइनस थ्री और माइनस टू पे कैसा है, जीरो है, ठीक है, तो जीरो, अब देखो माइनस टू के बाद कैसा, फंक्शन पॉजिटिव है, तो माइनस टू बाद पॉजिटिव, तो क्या, जब भी पॉजिटिव होता है तो वन देगा, माइनस थ्री से माइनस टू में निगेटिव है, तो माइनस थ्री से माइनस टू में निगेटिव है, तो सिग्नम किसी भी निगेटिव फंक्शन में है ना, वैल्यू अगर निगेटिव में आ रही है तो क्या, माइनस वन देगा वो, तो माइनस थ्री से पहले कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या वन दे देगा सिग्नम, सिग्नम फंक्शन इसका, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं यहीं पे, ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं कैसे डिफाइन होगा, ठीक है, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, कोशिश करते हैं डिफाइन करने की। देखो माइनस वन कब आ रहा है, जब x क्या माइनस थ्री से माइनस टू के बीच है, ठीक है, और जब जीरो कब आ रहा है, जीरो देखो x इक्वल टू माइनस थ्री एंड माइनस टू पे, और वन कब आ रहा है, x ग्रेटर देन माइनस टू पे है और क्या x लेस देन माइनस थ्री पे है, इस केस में वन आ रहा है, ये हमने डिफाइन भी कर दिया, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, अगर ग्राफ बना लिए तो डिफाइन करना तो ईजी ही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एट,
तो ये ध्यान दो, एक्स क्यूब माइनस 8 बेसिकली ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब है, ठीक है। आपको पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है ना। तो आगे क्या कर सकते हैं, बस ये मैं यूज कर लेता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब को एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 का ठीक है स्क्वायर होगा 4, ऐसा हो गया। तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव नजर आ गई है ना। देख लेते हैं फिर से, एक्स माइनस 2 इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 प्लस 3, अब तो नजर आ गई होगी आपको पॉजिटिव चीज ये। तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसका इनफिनिटी बनाने की कोशिश करूँ तो पॉजिटिव क्वांटिटी का तो कोई इफेक्ट नहीं रहता इनफिनिटी में, तो जो बनेगा इस पे ही बनेगा है ना, इस पे भी होगा। तो क्या आ रहा है, ठीक है 0.2 आ रहा है, तो ठीक है ये साइन हम लोग शो कर दिए। तो 2 के बाद फंक्शन कैसा, पॉजिटिव वैल्यू और 2 से पहले निगेटिव, ठीक है। तो अपने को आइडिया हो रखा है। तो सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8 का हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे -1 होगा, ये हमने एक्स इक्वल टू 2 नक दिखा दिया, ठीक है हमने देखा था, ठीक है वेवी कर्व मेथड से, ये 2 ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो 2 के बाद है ना पॉजिटिव और 2 से पहले निगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो अपने को पता है, ठीक है 2 पे तो 0 हो रहा है फंक्शन, तो 2 पे 0 और 2 के बाद पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सिग्नम उस फंक्शन का क्या देगा, वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। और एक्स क्यू माइनस 8 की वैल्यू है ना 2 से कम है किसी निगेटिव, तो निगेटिव है तो सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस 8 क्या जाएगा -1, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया इसका, अगर डिफाइन भी करना है तो डिफाइन कर सकते हैं। सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस 8 कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स लेस देन 2 में क्या नजर आ रहा है -1, एक्स इक्वल टू 2 में 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 2 में, ठीक है 1। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन क्या है, सिग्नम ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ तो आपको आइडिया हो गई कैसे बनता है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं प्लॉट करने की, थोड़ा और मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है यहां तक सपोज बना दिया हमने, ये 0 होगा ये पाई होगा ये 2 पाई 3 पाई, ठीक है ये सपोज 4 पाई, ठीक है ये 1 होता है ये -1 होता है ये सिग्नम, ठीक है। अगर ये तो साइन एक्स बनाया हमने y इक्वल टू साइन एक्स, अगर सपोज अपने को ये सिग्नम ऑफ साइन एक्स बनाना है तो अपने को नजर आ रहा है 0 से पाई में कैसा नजर आ रहा है, ठीक है पॉजिटिव, ठीक है पाई से 2 पाई में निगेटिव है। तो अगर मैं इसका सिग्नम फंक्शन बनाने की कोशिश करूँ कैसे बनेगा, 0 से पाई में पॉजिटिव है मतलब क्या देगा 1 देगा, ठीक है और पाई से 2 पाई में कैसा है निगेटिव, तो क्या देगा, जब भी निगेटिव होता है तो क्या देगा -1 देगा, ठीक है। और 2 पाई से 3 पाई में फिर पॉजिटिव है तो फिर 1 दे देगा, ठीक है। और 3 पाई से 4 पाई में, ठीक है निगेटिव है तो फिर -1 देगा, ठीक है। ग्राफ ऐसा बनता चला जाएगा, ठीक है इधर भी आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और 0 इन पॉइंट्स पे क्या है, इन पॉइंट्स पे तो 0 है ही, 0 पे पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे 4 पाई पे, ठीक है ग्राफ का आइडिया हो गया आप लोगों को। तो बेसिकली फंक्शन अगर पॉजिटिव है किसी वैल्यूज पे तो सिग्नम ऑफ सिग्नम उसका क्या हो जाएगा, सिग्नम उस फंक्शन का 1, अगर ठीक है फंक्शन किसी वैल्यूज पे निगेटिव है तो सिग्नम उस फंक्शन का -1 हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है वो तो 0 होना ही है, ठीक है। तो ये तो फंक्शन हमने ठीक है प्लॉट कर दिया, ठीक है सिग्नम ऑफ साइन एक्स, अगर इसको डिफाइन करना है कैसे करेंगे, कोशिश करते हैं सिग्नम ऑफ साइन एक्स, ठीक है। देखो 0 कहाँ पे हो रहा है, ठीक है फंक्शन के लिए 0 पे पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे, तो ठीक है 0 कहाँ पे हो रहा है, n पाई पे, ठीक है n हम लोग इंटीजर समझ लेते हैं, ठीक है ठीक है। -1 कहाँ पे हो रहा है, कोशिश करते हैं समझने का, -1 देखो पाई से 2 पाई या 3 पाई से 4 पाई, पाई कैसा है ऑड मल्टीपल है पाई का, 3 पाई भी कैसा है ऑड मल्टीपल है पाई का, ठीक है। तो x की वैल्यू जब ऑड मल्टीपल है पाई की है ना, 2n प्लस 1 पाई से, ठीक है 2n पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से इवन मल्टीपल ऑफ पाई जा रही है, तब वैल्यू -1 आ रही है, देखो ये कैसा है ऑड मल्टीपल से इवन मल्टीपल पाई से 2 पाई, ठीक है यहाँ भी देख सकते हो 3 पाई से 4 पाई में, ठीक है निगेटिव है। तो अब 1 देख लेते हैं, 1 कब आ रहा है,
जीरो से पाई या टू पाई से फोर पाई, मतलब इवन मल्टीपल से, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो एक्स जब टू एन पाई से, ठीक है, टू एन प्लस वन पाई, और यहाँ पे एन कोई आप इंटीजर ले लीजिए, तो फंक्शन हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्नम ऑफ एल एन एक्स, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इस, ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे जो भी है। अभी ध्यान दो, एल एन एक्स मतलब लॉग एक्स बेस ई। तो बेस कैसा है, ई, ई हमेशा ग्रेटर देन वन है। बेस कैसा, वन से बड़ा है, तो वन से बड़े में एल एन एक्स या फिर लॉग एक्स कैसे बनता है, ठीक है, एल एन एक्स ऐसा ही बनता है। ठीक है, y इक्वल टू एल एन एक्स, ऐसे ही मैंने बता रखा है। ठीक है, जब बेस वन से बड़ा होता है तो ग्राफ है ना इस तरीके से बनता है। ये कहाँ पे कट करता है, एक्स एक्सिस को, वन कॉमा जीरो पे। ठीक है, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ ध्यान दो, x की वैल्यू लॉग में है ना, ये जो x की वैल्यू होती है, ये जो x की वैल्यू होती है, x में था ग्रेटर देन जीरो होती है, तो निगेटिव x एक्स में हमने ग्राफ प्लॉट किया ही नहीं है। ठीक है, इवन x इक्वल टू जीरो में भी है ना डिफाइन नहीं है फंक्शन में। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिग्नम, ठीक है, सिग्नम फंक्शन एल एन एक्स का, ये एक्स इक्वल टू वन, इधर भी कहीं वन होगा, इधर कहीं माइनस वन होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, x इक्वल टू वन पे क्या फंक्शन की वैल्यू जीरो है, एल एन वन जीरो है, तो सिग्नम भी उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं, वन से बड़े में है ना, x की वैल्यू जब वन से ज्यादा है, ठीक है, x की वैल्यू जब वन से ज्यादा है तो फंक्शन कैसा पॉजिटिव नजर आ रहा है एल एन एक्स, तो पॉजिटिव में क्या देता है, वन देता है, तो ये वन दिखा दिए हम लोग। ठीक है, अब देखो वन से कम में है ना, x की वैल्यू जब वन से कम है तो y की वैल्यू कैसी है, एल एन एक्स की वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ये माइनस वन देगा। ठीक है, लेकिन अब समझते हैं, मैंने यहाँ पे भी ओपन रख लिया, यहाँ पे ओपन क्यों रख लिया है, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो में ये क्या है, ये पढ़ गया x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो में फंक्शन डिफाइन नहीं है एल एन एक्स, है ना, x ग्रेटर देन जीरो में ही डिफाइन है, तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर इसको डिफाइन भी करना है तो कैसे करेंगे, सिग्नम ऑफ एल एन एक्स डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये माइनस वन कब आ रहा था, जब x लेस देन वन है, लेकिन अपने को पता है एल एन एक्स में जो x होता है ना, एल एन एक्स में जो x होता है, x हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो कब आ रहा था, अपने को पता है जब x इक्वल टू वन है, और वन कब आ रहा था, जब x ग्रेटर देन वन है, ये ऐसे डिफाइन होगा। ठीक है, ग्राफ भी हमने देख लिया। ठीक है, डिफाइन कैसे हो रहा है फंक्शन, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए, हमने काफी कुछ डिस्कस किया है सिग्नम फंक्शन में। ठीक है, ऐसे मैं और लेक्चर लाता रहूंगा, आप ऐसा बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे और लेक्चर्स लाता रहूँ। धन्यवाद।